हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोंद पाक जो कि हम बगैर चीनी के बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। इसके लिए हमने चूल्हे में आग जला ली है और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। इस देसी घी में फ्रेंड्स हम भूनेंगे हमारा गोंद। तो फ्रेंड्स, ये हमने लिया है गोंद, ये हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, कसा हुआ नारियल, बादाम और अखरोट और काजू। सबसे पहले हम इन ड्राई फ्रूट्स को पीस लेते हैं। काजू, अखरोट और बादाम को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसकर हम इसको गोंद पाक में यूज करेंगे। घी हमारा हो गया है गरम और अब इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें हम गरम करेंगे हमारा गोंद। आप देख सकते हैं कि गोंद अच्छे से फूल गया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। गोंद हमारा साइज में थोड़ा छोटा है तो जल्दी ही भून जाएगा और भूनने के बाद इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए हमारे गोंद को भून लेंगे। 150 ग्राम गोंद का हमने यूज किया है फ्रेंड्स। सारे गोंद को भूनकर हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब जो देसी घी कढ़ाई में बचा उसमें हम थोड़ा देसी घी और ऐड कर देंगे और इसमें हम भूनेंगे हमारा गेहूं का आटा। लगभग 300 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी हम इसमें और डालेंगे जिससे हमारा गेहूं का आटा है वो अच्छे से भुन जाएगा। अगर आपको घी और कम लग रहा है तो आप इसमें और घी भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 450 ग्राम घी हमने इस रेसिपी में यूज किया है फ्रेंड्स। अगर आप घी कम पसंद करते हैं तो आप कम घी से भी इसको बना सकते हैं। आज को हमने धीमा ही रखना है। धीमी आंच पे हमने गेहूं के आटे को अच्छे से भून लेना है। गेहूं का आटा हमारा अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम गोंद को हल्का हल्का क्रश कर लेते हैं जिससे हमारा गोंद पाक बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो हल्के हल्के हाथों से हमने इसको क्रश करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा गोंद हो जाएगा। गेहूं का आटा हमारा अच्छे से भुन गया है और अब इसमें हम डालेंगे घिया कस किया हुआ नारियल लगभग 250 ग्राम। इसको हमने अच्छे से आटे के साथ भून लेना है और अब इसमें हम डालेंगे हमारे ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट जिसमें हमने काजू, बादाम और अखरोट ग्राइंड किए थे। इसको भी हम भुने हुए आटे में डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा भुना हुआ गोंद। थोड़ा सा गोंद हमने गोंद पाक पर गार्निश करने के लिए रख लिया है। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लेना है। आंच को हमने बिल्कुल धीमा कर देना है और अब इसमें हम डालेंगे गुड़। लगभग 400 ग्राम गुड़ हमने इसमें मिलाना है। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे ये आसानी से हमारे गोंद के अंदर पिघल जाएगा। आंच को हमने धीमा ही रखना है। तो आप देख सकते हैं
सारा गुड़ हमारा गोंद के अंदर पिघल गया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते तो आप थोड़ा गुड़ और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमारा गोंद पाक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब इसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच सौंठ पाउडर, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला देना है। आंच को हमने धीमा ही रखना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद गोंद पाक को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और अब एक ट्रे को हमने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर दिया है और उसमें हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे। सारे मिक्सचर को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और ऊपर से हमने इसको बचे हुए गोंद से गार्निश कर देना है। बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से हमने गोंद पाक को गार्निश कर दिया है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको फिर से इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे जो हमारा गोंद पाक है बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। और अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में निशान लगा देते हैं, जिससे जमने के बाद जो गोंद पाक है आसानी से हमारी ट्रे में से निकल आएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गोंद पाक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी गोंद पाक की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।